एवरीवन, वेलकम टू फूड जोन घर का बावर्ची। आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी चने दाल की सब्जी। लौकी को बहुत लोग कद्दू भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में बॉटल गोर्ड भी कहा जाता है, बॉम्बे में इसे दूधिया भी कहते हैं। हमें लौकी लेना है, छोटी कटी हुई प्याज लेनी है स्लाइस करा हुआ, और यहाँ चने की दाल को मैंने लिया था, इसे मैंने सोक करके आधा घंटा रख दिया था, और टमाटर लिए थे, इन्हें मैंने चॉप करके बारीक काट लिया था। यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है, करी पत्ता लिया है, और लहसुन के बहुत सारे दाने लिए हैं, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर, हल्दी का पाउडर, और साथ ही साथ हींग। ये सारी चीज़ें हमें लगेगी। इन इंग्रेडिएंट्स की जितनी भी क्वांटिटी है आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी है। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल गरम करेंगे, इसके अंदर लहसुन और कड़ी पत्ते को थोड़ा सा लाल होने देंगे। इसके बाद हम हमारा ज़ीरा ऐड करेंगे, और ज़ीरे को भी स्प्लिट होने तक का इसे हम पकाएंगे, यानी कि हमारा तड़का हो गया। इस तड़के के अंदर हम एक के बाद एक सारे मसाले डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले जाएगा हींग, हींग डालने के बाद में थोड़ा सा आप इसे मिला लीजिएगा, और इसके बाद में हम हमारे सारे लाल मसाले डाल देंगे। ये नॉर्मल घर में मिलने वाले मसाले हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला है इसमें, अदरक लहसुन वगैरह कोई चीज़ नहीं जाएगी, सिर्फ लहसुन की कलियाँ जो तड़के में गई थी वो जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर डाल रहे हैं प्याज, प्याज डालने के बाद में हम इसके अंदर हमारे टमाटर भी डाल देंगे, और इन दोनों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। एक बार जब ये भून जाएगा मसाला, इसके बाद हम इसके अंदर चने की दाल डालेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप है उसमें हम चने की दाल को पकाने वाले हैं। चने की दाल को बनाने के लिए हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले मसालों में चने की दाल को आप अच्छी तरीके से भून लीजिएगा। इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे एक कप जितना पानी, और एक कप जितना पानी डालने के बाद में हम इसे एक बॉईल करेंगे, और फिर ढक्कन लगा के इसे दम पे छोड़ देंगे। यानी हम तब तक इसे दम पे छोड़ेंगे जब तक आपको लगे कि आपकी चने की दाल हल्की पीली से डार्क पीली ना हो गई हो, तो यानी हल्के से ज़्यादा येलो कलर होना चाहिए इसका। ढक्कन लगा के मैंने इसे रख दिया है कुछ टाइम के लिए। चलिए एक राउंड देखते हैं बीच में अभी क्या हुआ है चने की दाल का हाल। इसके बाद थोड़ा सा मैंने बीच में इसे मिला लिया था, चने की दाल मेरी थोड़ी सी सूख गई है, अभी इसे मैं थोड़ी देर और रख दूँगी। ज़रा टमाटरों को मैंने नरम कर दिया। इसके बाद में मैंने इसके अंदर डाल दी है कद्दू, यानी दूधी हमारी, और लौकी, जो आप इसे कहना चाहें। आपके हर जगह में इंडिया में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, और ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही हेल्दी होती है। बिलीव मी, ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है, डाइट के लिए भी बहुत अच्छी सब्ज़ी है, और ये घर में आसानी से बनने वाली सब्ज़ी है। बहुत सारे गांवों में भी इसे खाया जाता है। अभी हमें कद्दू को गलाने के लिए, यानी लौकी को गलाने के लिए हमें पानी डालना है। मैंने एक कप जितना पानी वापस से इसके अंदर डाल दिया। इसे एक बॉईल करेंगे, और हम ढक्कन लगा के इसे 15 मिनट तक कम से कम स्लो फ्लेम पे रख देंगे गलने के लिए। बीच बीच में एक दो बार आप चला लीजिएगा इसे, क्योंकि क्या है मसाले जो है वो नीचे बैठ जाते हैं, और हमें मसालों को दूधी के अंदर भी अच्छे से पेनेट्रेट होने देना है। तो इससे क्या होगा, हमारे मसाले सब इक्वल पोर्शंस में चने की दाल में, लौकी में, सब जगह में ऐड हो जाएंगे। लौकी की सब्ज़ी का मैं आपको बता दूँ, ये रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। बहुत ही सस्ती सब्ज़ी होती है, और घर में बनाने के बाद में ये बच्चों के लिए भी हेल्दी है। हमारी लौकी की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है 15 मिनट के बाद में। इसे हमने तो रोटी के साथ में खा लिया था, आप चावल के साथ भी इसे खा सकते हैं। बिलीव मी, ये इतनी टेस्टी और सादी सीधी बनी थी, बहुत मज़ा आया था खाने में। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूट्यूब को, और इंस्टाग्राम फूड जोन घर का बावर्ची पर भी मुझे ज़रूर ऐड कीजिएगा। थैंक यू।